नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने कल के रिव्यू में आपसे बात कही थी, कल जब रुबीना का वो सच का एंगल यानी कि सच्चाई जब रुबीना की हमारे सामने आई, सबके सामने आई, हम लोगों के आंसू अपने आप गिरने लग गए। हम लोग यही कहने लग गए कि प्लीज रुबीना आप अलग मत होइएगा। और सिर्फ हम लोग ही नहीं, जनता ही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने बहुत सारा सपोर्ट जो है रुबीना को दिखाया। बहुत से लोग शॉक भी हो गए। लेकिन इस बात का बतंगड़ किसने बनाया? इस बात का बतंगड़ बनाया दोस्तों राहुल वैद्य और कविता कौशिक ने, जहां पर वो ये बात कहते हुए नजर आए तो ऐसे फिर ये एक्टिंग कर रहे थे सामने। अरे जब वो कह रहे हैं कि उनको टाइम दिया है उन्होंने अपना नवंबर तक का, तो इस पर भी वो क्यों इस तरीके से प्रतिक्रिया दिखा रहे थे? खैर दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अब डेवोलिना, सारा, शार्दुल ये लोग एक साथ आए हैं रुबीना और अभिनव के पक्ष में। और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो उन्होंने कविता और राहुल के क्वेश्चनिंग पर सवाल उठा दिए हैं, उन्हें स्लैम कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं ओएमजी गर्ल डेवोलिना भट्टाचार्य की। डेवोलिना भट्टाचार्य दोस्तों ट्वीट करती हैं, कहती हैं, यू आर बीइंग जज्ड बाय योर स्टेटमेंट नॉट हैशटैग रुबीना एंड बिटवीन व्हाट टू डू विद द सेल्फ रिस्पेक्ट हियर इट नीड्स गट टू एक्सेप्ट इट ऑन नेशनल टीवी ऑल द मदाम्स एंड सर्स आउट देयर आई लव यू बोथ रुबीना अभिनव बी स्ट्रॉन्ग एंड बी ट्रू हैशटैग बिग बॉस 14। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों शार्दुल पंडित का भी एक ट्वीट आता है। एक्चुअली उनके दो ट्वीट आते हैं। वो कहते हैं कि ओ रुबीना अभिनव, आई यूज टू फॉन्डली कॉल यू ताओ ताई, नॉट वंस यू लेट एनीवन नो द प्रॉब्लम्स, यू वर एंड विल बी आइडल कपल फॉर मी, आई लव यू बोथ। फिर उसके बाद दोस्तों शार्दुल ये भी कहता है, नो सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट नहीं होता तो टॉक अबाउट फैक्ट्स नॉट कूल, आई एम प्राउड ऑफ रुबीना एंड अभिनव। सारा गुरपाल कहती हैं, रुबीना अभिनव यू विल ऑलवेज बी टुगेदर एंड विल ऑलवेज बी हैप्पी। सो दोस्तों यहां पर जिस हिसाब से जज किया गया था राहुल को, राहुल ने जज किया था या फिर कविता कौशिक ने जो जज की थी उनकी सर्कमस्टेंसेस पर, लोगों ने यानी कि शार्दुल ने और अगर बात करें डेवोलिना ने क्वेश्चन मार्क उठाया उनकी थिंकिंग पर, उनकी सोच पर, और दोस्तों इस तरीके से रिएक्शन दे दिया है। अब आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चलता हूं और खबरें लेकर आता हूं।